हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? लॉकडाउन में बाहर खेलने तो नहीं जाते हैं? सभी घर पर रहिए, ठीक है? आज मैं आपको क्लास सेकंड का, हिंदी सेकंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है? क्लास सेकंड की हिंदी व्याकरण की बुक है ये देखिए, ठीक है? मैं आज आपको फर्स्ट चैप्टर आपका पढ़ाती हूँ। चलिए स्टार्ट करें। देखिए बेटा, ये है आपका पहला पार्ट, भाषा। पहला पार्ट है भाषा। भाषा का देखिए, आप क्लास फर्स्ट में भी पढ़कर आए हैं तो आपको थोड़ी सी डेफिनेशन तो इसकी याद होगी, थोड़ी सी याद होगी ना। भाषा क्या होता है बताइए, सोचिए मन में कि जब हमें अपने मन की कोई बात कहनी होती है दूसरों को और दूसरों के मन की बात समझनी होती है तो हम कैसे कहते हैं, बोलते हैं ना हम, या तो हम बोलते हैं या लिखते हैं। लिख के बोल के हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं ना, और दूसरों के मन की बातें भी इसी तरह या तो पढ़कर या सुनकर ऐसे समझते हैं ना हम दूसरों की बात को। यही माध्यम जो है वो भाषा है, जिस माध्यम से हम सब बात अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों की बात को खुद समझते हैं, वो भाषा कहलाता है। पहला पाठ है आपका भाषा, और इसको मैंने समझा भी दिया आपको। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पाठ, ये है आपका। पढ़ना शुरू करें। हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझा सकते हैं तथा दूसरे सुनकर या पढ़कर उसे समझ सकते हैं, यही भाषा है। भाषा क्या है, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना और दूसरों के मन की बात सुनकर या पढ़कर उसे समझ लेना, यही भाषा कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे भाषा के रूप। ये देखिए, आपको ठीक से दिखाई भी दे रहा होगा, भाषा के रूप। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं बेटा, कौन कौन से, पहले भी आपने पढ़े हैं, मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अब इनके नाम से ही इनका अर्थ पता चल रहा है, मतलब इनकी जो परिभाषा है वो इनके नाम से ही पता चल रही है। मौखिक भाषा क्या होता है कि जो बात हम बोलकर बताते हैं और जब दूसरा कोई बोलेगा तो हमें सुनना पड़ेगा ना उसकी बात को, इसका मतलब कि बोलकर अपनी बात को कहना और दूसरों की बात को सुनकर समझ लेना, भाषा का ये जो रूप है ये मौखिक भाषा कहलाता है, ठीक है? यही आपकी बुक में डेफिनेशन जो यहाँ दी हुई है वो भी यही है। देखिए, पढ़िए इसको, बोलकर अपनी बात को कहना और सुनकर समझना। जैसे पिक्चर में देखो, पूछा है ना कैसी हो परी, फ़ोन पे बात हो रही है, उसने पूछा कैसी हो परी तो दूसरे ने बताया मैं ठीक हूँ, तो एक ने बोला और दूसरे ने सुना, भाषा का ये कौन सा रूप है, मौखिक भाषा। अब जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ ना और आप बड़े ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो, ये कौन सा रूप है भाषा का, मौखिक भाषा, ठीक है? एक बोलता है और दूसरा सुनकर समझ लेता है, ये मौखिक भाषा कहलाती है। यही इसकी परिभाषा है, यही इसी तरीके से इसको लिखा जाएगा। सेकंड इसका जो भाषा का दूसरा रूप है वो है लिखित भाषा। देखिए आपके सामने है लिखित भाषा, लिखकर अपनी बात को कहना और पढ़कर समझना। जब हम किसी बात को लिखकर कहते हैं और दूसरे सामने वाला जो है वो हमारी बात को पढ़कर समझता है, तो भाषा का वो रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे अभी मुझे क्वेश्चन आंसर्स कराने हैं इसके, मैंने पहले से लिखकर तैयार किए और मैं वो आपके सामने कर दूंगी, फिर आप सुनोगे नहीं उसे, आप उसे पढ़ोगे, जब पढ़कर समझोगे तो वो लिखित रूप कहलाएगा, ठीक है? जैसे न्यूज़पेपर आता है तो उसमें क्या होता है, कोई बोलता थोड़ी है उसमें तो आप पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर को पढ़ते हो और वो आपकी आपको समझ में आ जाता है, ठीक है? तो आपको भाषा के रूप ये कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो गया होगा, मौखिक भाषा लिखित भाषा, ठीक है? आपने कहीं कहीं एक वर्ड सुना होगा सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा का एक वर्ड सुना होगा, ठीक है? वो भी भाषा का ही एक रूप होता है, लेकिन हम उसे व्याकरण में ऐड नहीं करते हैं, इस भाषा के पार्ट्स में ऐड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि संकेतों को समझना आसान नहीं होता है, हर व्यक्ति संकेतों को नहीं समझ सकता, इसलिए यहाँ पर इस चैप्टर में आपका
इस उसका कोई डिटेल नहीं है, आपने फर्स्ट क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया है कि मुख्य रूप व्याकरण में हमारी में सिर्फ मुख्य रूप दो ही माने गए हैं, मौखिक और लिखित। संकेतिक भाषा का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि संकेतों को आसानी से नहीं समझा जा सकता। ठीक है, आगे पढ़ें। देखिए अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे है लिपि। लिपि क्या होता है? देखिए भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हर भाषा को जब हम लिखते हैं तो उसका एक अलग से तरीका होता है, हर भाषा एक अलग तरीके से लिखी जाती है, और जो लिखने का ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की लिपियाँ भी अलग अलग होती हैं, हर भाषा अलग लिपि में लिखी जाती है, जैसे हिंदी, संस्कृत व गुजराती, ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी भाषा जो होती है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू और अरबी ये फारसी में लिखी जाती हैं। उर्दू और अरबी की लिपि क्या होती है? फारसी। ठीक है, हर भाषा को लिखने का एक अलग से ढंग होता है, वो ढंग लिपि कहलाता है। नेक्स्ट है इस पाठ में आपके, इसे लिपि के बाद देखिए ये नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर बोली। बोली बोली क्या होता है? पहाड़ी, राजस्थानी, अवधी, मैथिली आदि बोलियाँ ही हैं। किसी बात को समझने के लिए हम जिस प्रकार बोलते हैं वह हमारी बोली कहलाता है, अर्थात भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। देखिए बेटा इसको समझना, इसको मुश्किल नहीं है समझना, बहुत आसान सी चीज़ है। बोली क्या होता है? एक तो हमारी होती है भाषा, भाषा वो होती है जो पूरे राष्ट्र की में बोली जाती है या उसको पूरे राष्ट्र में एक अलग से होती है। और लिपि वो बोली, बोली क्या होता है जो हर क्षेत्र में अलग अलग होती है। ठीक है, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है हर क्षेत्र में। देखिए अब आप ऐसे समझिए कि हर क्षेत्र में जहाँ भी हम अक्सर जाते हैं घूमने के लिए, जगह जगह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग बोली होती है, बोली अलग अलग होती है। देखिए जैसे अब हम यहाँ हैं तो यहाँ ब्रजभाषा का ब्रजभाषा को बोला जाता है ना, हमारे यहाँ ब्रजभाषा बोली जाती है, तो हमारी भाषा हिंदी है लेकिन बोली ब्रज है। ठीक है, अब आप घूमने के लिए कहीं जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा हर जगह की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी अलग है ना, वहाँ कुछ और तरीके से बोला जाता है, जो जिस क्षेत्र में जिस तरीके से बोला जाता है वो वहाँ की क्षेत्रीय बोली कहलाती है। ठीक है, जैसे राजस्थान में राजस्थानी होती है। ठीक है, ऐसे अलग अलग होती हैं थोड़ी सी। जैसे अब देखिए इसका एग्जांपल, इसका जो अंतर है वो आपको यहाँ से ऐसे समझ में आएगा, भाषा और बोली का डिफरेंस देखिए, अंतर आपको समझ में आएगा यहाँ पे। जैसे हम भाषा बोलते हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम क्या कहेंगे? राम को बुलाओ। और जब इसी को वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोला जाएगा, बोली के रूप में बोला जाएगा, तो कहेंगे राम को बुलाओ। ये कितने बच्चे हैं, ये क्या बच्चे हैं, ये बोली बोली वो होती है जो क्षेत्र के अंदर वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा बोली जाती है। तुम्हारा घर कहाँ है, थारा घर कहाँ है, भाषा और बोली का यही अंतर है। ठीक है, आगे देखिए इसमें पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसमें अलग अलग स्थानों पर बोली भी अलग अलग होती है, हम बहुत से कामों के लिए एक दूसरे से बातें करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। देखिए ये चैप्टर अब आपका यही ख़त्म है। ओके, यहाँ ये चैप्टर ख़त्म है, आपके बस यही टॉपिक थे इसमें, भाषा की परिभाषा सबसे पहले, फिर भाषा के कितने रूप हैं, और उसके बाद लिपि, उसकी परिभाषा, बोली, बस यही इतना ही पार्ट है आपका। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज देखिए, मैं आपको एक्सरसाइज के लिए इसी में बताई दे रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अलग से आप फिर परेशान हो जाते हो कि कैसे करें। ये देखिए, ये है